हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2023 एमटीएस हवलदार वाला जो आपका एग्जामिनेशन थी उसका आपका एमपीआर रीजन का भी आपका एलोकेशन आ चुका है। डिपार्टमेंट एलोकेशन नॉमिनेशन वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक कितने हमारे आ गए हैं, देखिए डब्ल्यूआर का आपका पहले आया था, है ना, डब्ल्यूआर का आया था, फिर हम लोगों ने केकेआर का देखा और अब आपका एमपीआर। देखिए अब एनईआर का भी बहुत जल्दी आने वाला होगा, फिर एसआर का, सबसे लेट आपके एनआर और सीआर आते हैं, क्योंकि आप ये देख ही सकते हैं 2022 वाला जो चल रहा है अभी तक उसके ही आपके एनआर और सीआर के नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसमें समझिए लेट होने वाला है, बाकी के आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब चांसेस ज्यादा है कि एनईआर का आपका आए, ठीक है। तो एक बार हम लोग एलोकेशन देख लेते हैं कि कैसे हुआ है, क्या ये केकेआर के अकॉर्डिंग हुआ है। जैसा कि केकेआर में वही हुआ था कि मतलब जो केकेआर में बच्चे थे उनका जहां पे सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था। तो एमपीआर में भी देख लेते हैं क्या इसी तरीके से है या 2022 के पैटर्न पर है कि वहां पर जिसका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का नाम है। तो देखिए साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए लिखा क्या है, सबसे ऊपर देखिए लिखा क्या है इन्होंने कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विभाग आवंटन एवं नामांकन विवरण। यहीं से आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से यानी कि एमपीआर रीजन के ये बच्चे हैं, ये कहीं और के बच्चे नहीं है जिनका एमपीआर में सिलेक्शन हुआ, ये एमपीआर के ही हैं जिनका अदर स्टेट्स में अदर रीजन्स में सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखिए पूरे आपके कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 59, और वही उनके आगे वही कैटेगरी, कैट सेल, एज लिमिट, डिपार्टमेंट नेम लिखा, देखिए दिल्ली वगैरह आ गया, फिर एटॉमिक एनर्जी आ गया आपका, ठीक है। ये मुंबई में, मुंबई तो चलो एमपीआर में ही आपका है, लेकिन और भी न्यू दिल्ली इसी तरीके से, और न्यू दिल्ली आपके और भी हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो इन्होंने यही लिख दिया है कि आपका जो मध्य प्रदेश क्षेत्र से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, यानी कि केकेआर की तरह इसमें भी हुआ है कि केकेआर में भी यही हुआ था कि जो केकेआर के बच्चे थे उन्हीं की लिस्ट थी, ऐसा नहीं था कि जो केकेआर में जिनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन 2022 में ऐसा ही था कि अगर हम लोग बोलते थे कि भाई एनआर की वेबसाइट पर देखना है, यानी मेरा सिलेक्शन एनआर पे हुआ है, इस बार चेंज हो गया है कि एमपीआर वाले एमपीआर की वेबसाइट पर ही देखेंगे कि भाई उनका सिलेक्शन जो है, उनका नॉमिनेशन जो है वो उन्हीं के रीजन की वेबसाइट पर आ रहा है, ठीक है। जैसा कि एमपीआर में है तो ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हैं, किनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई आपके एमपीआर डिपार्टमेंट एलोकेशन की, सेम केकेआर की तरह है। और एक और हम लोग देख लेते हैं, देखिए काफ़ी सारे डीवी के नोटिसेज हैं, इस वीडियो में आपको एक बताने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक दो बताऊंगी क्योंकि फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी आपकी। तो ये देख लेते हैं, ये देखिए आपका CPWD का है, साइड में मैं लगा दे रही हूँ, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं ऐड हो पाए तो इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए आया था 2 तारीख को आया था ये वाला आपका CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कोलकाता का आपका ये है, यानी कि ई आयोजन आपका हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट्स, इसमें देखिए क्या बताया, इन परसुएंस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ द अंडर मेंशन रीजन 27 जो कैंडिडेट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ MTS हैव बीन एलोकेटेड इन द ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में आपके 27 कैंडिडेट्स हैं जो MTS से सेलेक्ट हुए हैं 2023 के। अब इसमें देखिए एक कुछ तो आपके ER के ही हैं, यानी कि 25 कैंडिडेट्स तो ER के ही हैं और NR के 2 हैं जिनको आपको ये मिला हुआ है, ठीक है। तो इन दिस रिगार्ड द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट द सेलेक्टेड 27 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द पैनल ऑफ द कोऑर्डिनेशन यूनिट। कहाँ पर आपको जाना है, कोलकाता, ये सारा एड्रेस वगैरह लिखा है और डेट और जो मेंशन है और जो लिस्ट है बच्चों की वो नीचे इन्होंने एनेक्शन में लगा रखा है, वो भी हम लोग देखेंगे कितने बच्चों की, वो तो पता ही है कि डेट वगैरह आपकी क्या है, ठीक है। अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें लेके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, फोटो कॉपीज भी लेकर जानी है और इस एड्रेस पर आपको कोलकाता में पहुँचना है। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रिक्वायर्ड हैं, देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, ठीक है। एनी वन ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें देखिए केवल एक ही लेकर जाना है, कहीं कहीं पर आपका आधार और पैन दोनों मांगे जाते हैं। 2 वोटर आईडी, मतलब 2 आपके आइडेंटिटी प्रूफ मांगे जाते हैं, यहाँ पर एक ही चाहिए है, इनमें से कोई भी एक आप लेकर जा सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल,
क्या क्या लेके जाने हैं आपको, मैट्रिकुलेशन यानी वही 10th की मार्कशीट, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो भी आपने फॉर्म जब फिल करा था तो आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशंस बताई थी वो सारी आपको लेकर जानी है, एक्सपीरियंस अगर है तो वो लेकर जाना है, ईच इन डुप्लीकेट यानी कि दो सेट आपको बनाने हैं, ठीक है, दो सेट आपको इसके फोटोकॉपी के बनाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी से हैं तो वो फॉर्मेट में होना चाहिए, ओबीसी वगैरह हैं तो उस तरीके से आपका सारे कास्ट वाले लेके जाने अगर आप किसी कास्ट में आते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है, एसेट सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वही फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होना चाहिए 22-23 और वैलिड ईयर आपका क्या होना चाहिए 23-24, ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है, 2023 वालों के लिए ये है और 22 वालों के लिए क्या था, यहाँ पर 21-22 था और ये चीज क्या थी 22-23, एक एक साल पीछे, तो ये आपको इस तरीका होना चाहिए आपका, अगर नहीं है तो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, ये सारी चीजें कि प्रॉपर आपके साइन वगैरह होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार के, इन सब के। फिर आपका जो डिसेबिलिटी है किसी की तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक वगैरह होना चाहिए, एनओसी अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर इंक्लोज प्रोफार्मा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे प्रोफार्मा आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। मेडिकल एग्जामिनेशन, हॉस्पिटल ऑफ बीइंग फिट टू ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, वही मेडिकल आपको कराना है। फिर आपको क्या कराना है, द ओरिजिनल सिंपल वेरिफिकेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कराना है, या तो आप क्या करा सकते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या दो गजेटेड ऑफिसर से, या तो आप डीएम वगैरह से करा लीजिए, नहीं तो दो कोई भी गजेटेड ऑफिसर आपके चल जाएंगे, ठीक है। और आपका कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डेक्लेरेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, जो आपको क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब है चार सेट्स में आपको लेकर जाना है, चार सेट में अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि चारों को आप निकलवाएंगे, उन पे प्रॉपर फिल करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि एक निकलवाया उसकी फोटोकॉपी करवा ली, चार ही निकलवाएंगे और फिर चारों पे प्रॉपर आप फिल करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर, अगर नेम वगैरह चेंज है या किसी की लड़की है कोई उसकी शादी हो जाती है तो सरनेम वगैरह चेंज जाता है तो आप एफिडेविट वगैरह दे सकते हैं, ठीक। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है कि द ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट शैल ओनली बी इश्यूड टू दोज कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, वेरीफाई होंगे, सब कुछ सही होता है तभी आपको प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इन केस एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट, अगर आपको इनकरेक्ट होती है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है अटेस्टेशन फॉर्म में या वहां पर जो भी फॉर्म फिल करा था तब, तो क्या करा जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल जेन्युइन दीजिएगा, सही दीजिएगा, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द पैनल, ठीक है, तो क्या करा जाएगा, हिज हर कैंडिडेट शैल लायबल टू बी, मतलब अगर आप डीवी पर नहीं पहुंचे जो भी आपको डेट मेंशन कर रखी है तो आपका ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, तो डीवी की डेट के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो डीवी डेट पर आपको जाना ही है, वो आपका कंपलसरी है, उसके लिए आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई और ये देखिए लिस्ट आ गई है अब बच्चों की, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कोलकाता में कौन सी तारीख को है, देखिए 19 जनवरी को आपका डीवी हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है आपका 19 जनवरी को आपका डीवी हो रहा है, और कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है 1 से 27, यानी कि 27 बच्चों का है 19 तारीख को ओडिशा में, देखिए रोल नंबर रैंक एलोकेटेड स्टेट वाई ओडिशा है, और दो शिफ्ट्स में, एक 10 एएम पर है और एक 2 पीएम पर है, ठीक है, दो शिफ्ट्स में 19 तारीख को आपका डीवी होना है इन्हीं 27 बच्चों का, तो आपको 19 तारीख को पहुंचना ही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम अच्छे से मिल रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हैं, अच्छा सा टाइम मिला है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, हाँ ये आपका देखिए क्या दे रखा है, वही आपका अटेस्टेशन फॉर्म, नेक्स्ट पीडीएफ में अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाना है आपको, और इसके साथ में आपका वही कैरेक्टर दे रखा है, फिर मेडिकल दे रखा है, उसका स्टेटमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म मेडिकल के साथ वाला जो होता है, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ्स हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अगर आप लोग नहीं ऐड हो पाए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी डायरेक्ट या लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बाकी एमपीआर का एलोकेशन एमपीआर की साइट पर भी देख सकते हैं, नहीं मिले तो टेलीग्राम पर आपको मिल ही जाएगा, मैं शेयर कर दूंगी।
बाकी कोई क्वेरी रहती है इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से उन सभी बच्चों को मैं थैंक्स बोलूंगी जो मुझे ये डीवी के नोटिसेज भेजते हैं। अगर वो नहीं भेजेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट ही नहीं दे पाऊंगी, ये वीडियो ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये मेल पर आते हैं डीवी के नोटिस पर्सनली। तो जो अगर बच्चे भेजेंगे तभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आप लोगों को अपडेट दे पाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो सभी बच्चों का थैंक्स और आपसे एक बार फिर से कि जब भी आपका डीवी नोटिस आए जरूर इन्फॉर्म करिएगा। बाकी कोई क्वेरी रहती है नंबर आपके पास अवेलेबल ही है, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा और मैं साथ में अकाउंटेंट भी हूँ आपको पता ही है, तो कोई भी आपका ITR है, PF है, GST है, लोन है, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। PF भी काफ़ी सारे हम लोगों ने निकाले हैं YouTube के थ्रू ही। आप ही लोगों के कोई भी सर्विस हो आपके फैमिली रिलेटिव्स की, इसी नंबर पर आप कोई भी मतलब सर्विस के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब आप भी जॉब में आ रहे हैं, ITR फाइल करेंगे तो करवाइएगा बिल्कुल, ठीक है। और बाकी आपका इस वीडियो में मैंने बताया आपको MPR का एलोकेशन, अब तक 3 आ गए आपके, किस किस के WR और KKR MPR। अब आप नेक्स्ट आप देखिए NER का ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपका इसमें DV नोटिस मैंने एक बताया, और भी काफ़ी सारे DV नोटिस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखते रहिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर MTS के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।